डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और मैं ओडिशा के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अजीब रही है। जब मैं 12वीं में था तब मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई थी जिनका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो ना तो मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहते थे और ना ही मुझे जाने देना चाहते थे। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, वो नशे किया करते थे और मुझे भी नशे की लत उन्होंने लगा दी थी, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बिगड़ती चली गई। जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज में झगड़ा करना मेरे लिए आम बात हो गई थी और उनकी आदतें मेरी आदतें भी बन गई थी। वो चोरी चकारी किया करते और कभी कभी मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। नशे बहुत ही महंगे होते हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी कभी कभी करनी पड़ जाती है। 2 सालों तक मैं नशों में फंसा रहा था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती चली गई थी। पिताजी से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होता, लेकिन अंत में जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी साधारण होने ही वाली है। लेकिन नशों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। मैं नशा छुड़ाऊ केंद्र में लगभग 2 महीने तक रहा था। बड़ी मुश्किल से वो नशे छूट पाए थे और बाहर आकर ऐसा डिप्रेशन हुआ था कि उससे निकलना और भी मुश्किल। मेरे घर वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। नए दोस्त बने थे, वो भी मुझे इस पुरानी ज़िंदगी से बाहर लाना चाहते थे। समय बीतता जा रहा था लेकिन आदतें बदलती नहीं। मैं झगड़ालू हुआ करता था और उन दोस्तों से भी झगड़ा किया करता। पहले वाले जो दोस्त थे वो मुझसे चिपके रहते थे, भले ही जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए। जब आपको लगता है ना कि आपके यार पक्के हैं, सारी उम्र आपके साथ रहेंगे, असल में वो दोस्ती नहीं होती, वो ज़रूरत होती है। वो नशेड़ी मुझसे इसीलिए चिपके रहते थे क्योंकि मैं पैसे खर्च किया करता था, उनके नशों के खर्च भी उठाया करता था और वो मेरे लिए लड़ाई मोल लिया करते थे। मैं सोचा करता था इनसे अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते, लेकिन ये दोस्त नहीं, आपकी ज़िंदगी के दुश्मन होते हैं। और अब जाकर ऐसे दोस्त मिले थे जो छोटी सी गलती पर भी गुस्सा कर लेते और बुलाना छोड़ देते। अब मैं समझने लगा था, दोस्ती सच्ची नहीं होती, परिवार सच्चा होता है। लेकिन अब आदतें बिगड़ चुकी थी तो मैं भी क्या करता। परिवार वालों से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, लोगों से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए आम बात हो गई थी। और अब घर में पैसों की भी कमी होती जा रही थी। मैं कमा ही नहीं पा रहा था, काम करने को मन ही नहीं लगता। पिताजी जहां पर भी मुझे काम पर लगाते, मैं वहां झगड़ा करके काम छोड़ आता। मेरी हालत और भी पतली थी। आपकी जेब में पैसे तो होने ही चाहिए ना, तभी जिंदगी आगे बढ़ती है, पैसे होते ही नहीं थे। धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो गया था मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली है। काम में मन नहीं लगता, दोस्त नहीं बनते, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता और नशे जैसे मुझे वापस बुला रहे थे। बस किसी कारण मैं रुका हुआ था। जैसे वो मुझे बुला रहे थे मौत के करीब और मैं मौत को अभी गले नहीं लगाना चाहता था। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता था। जब आप सुधरने लगते हैं तो आपको गलतियों का एहसास होने लगता है। उन 4-5 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, अपने उन चोर दोस्तों के साथ कई चोरियाँ की थी, कई लोगों को पीटा था, कई की ज़िंदगी बर्बाद की थी, लेकिन मैं जैसे बच गया था। मेरी ज़िंदगी बहुत बाकी थी और अब मैं सुधरना चाहता था। जो बीत गया वो बीत गया, अब उसे पीछे छोड़ देना चाहिए, ये सोचकर मैं एक रेस्टोरेंट पर काम करने के लिए लग गया था। हर रोज़ की बात होती कि मन में गुस्सा आता, लेकिन मैं उस गुस्से को रोक लेता। मालिक जानता था मेरा गुस्सा कितना बुरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काम पर रखा हुआ था। पैसे बहुत कम मिला करते थे, लेकिन मेरा गुजारा हो पा रहा था। खर्चे मेरे बहुत ज़्यादा थे जो धीरे धीरे मैं कम कर रहा था। पिताजी से पैसे मांगने में अब शर्म आने लगी थी, इसीलिए मैं बदलता जा रहा था। पुराने गुनाहों को भूलकर मैं आगे बढ़ने लगा था और अब अच्छा इंसान बनने लगा था। यहाँ सड़क क्रॉसिंग के वक्त बच्चों को सड़क पार कराने में जो मज़ा आया करता, वो खुशी मुझे बदलने लगी थी।
बूढ़े लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती उससे मैं खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। गरीबों की मदद करना अब आम हो गया था मेरे लिए। भले ही मैं कुछ पैसे बचाता लेकिन उन गरीबों को उस पैसे से कुछ ना कुछ खरीद कर ले देता और मैं सोचता गुनाह मेरे खत्म हो जाएंगे शायद इन अच्छाइयों से। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और आपको बदलता चला जाता है। अब मैं खुद को अच्छा इंसान समझने लगा था और इसी अच्छाई ने एक इंसान की मदद भी की थी। वहां उस रेस्टोरेंट के सामने एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था, शायद उसकी ब्रेक फेल हो गई होगी। उसकी गाड़ी सीधा एक पोल से टकराई और वहां पर भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी। उसका सर सीधा स्टेयरिंग से टकराया था जिस कारण सर पर चोट लग गई थी, खून बह रहा था। लेकिन लोग खड़े बस तमाशा देखे जा रहे थे। कुछ लोगों ने जेब से मोबाइल निकाल लिया था, वो उसकी वीडियो बना रहे थे। वो बूढ़ा तड़प रहा था, मुझसे भी देखा नहीं गया। मैं सीधा उस गाड़ी में घुस गया और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। हर कोई जैसे उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था, वो खून से अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहते थे, जबकि मैं उसे अपने पीठ पर उठाकर ही बाहर निकाल पाया था। एम्बुलेंस आने में बहुत समय लगेगा, क्या करूं मैं? मैंने अपने दोस्त को कहा था इसे लेकर चलते हैं, किसी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। वो डर गया था, पुलिस का चक्कर होगा ना, मैं साथ नहीं चलने वाला और मैं सलाह दूंगा तुम भी ना चलो। मैं क्या करता, अब अच्छे होने की एक्टिंग नहीं की जा रही थी, मैं अच्छा बनना चाहता था और मुझे लगा भगवान ने ये मुझे मौका दिया है। उस बूढ़े को मोटरसाइकिल पर बिठाकर मैं खुद उस अस्पताल पर गया था। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे उसे आगे बिठाया हुआ था और वो मोटरसाइकिल चलाई थी मैंने बड़ी मुश्किल से, और वहाँ स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। लगभग 6 घंटे ऑपरेशन चला था और वो खतरे से बाहर था, वो बात कर सकता था। खून काफ़ी बह गया था लेकिन खून चढ़ा दिया गया था। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था लेकिन मैं तारीफ का भूखा नहीं था, मैं उस खुशी का भूखा था जो किसी की मदद करने के बाद मिलती है। वो बूढ़ा आदमी मुझसे बात करना चाहता था, वो शायद काफ़ी अमीर था और मैं उसके पास गया। लालच मुझ में भी जैसे आ गई थी, उसकी मदद की है शायद कुछ पैसे दे दे, मैं मांगूंगा नहीं, अगर वो अपनी मर्जी से देगा तो ठीक है। ये सोचकर मैं उस ICU में चला गया था। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश, उसने कहा मैं जब दर्द से कराह रहा था वहाँ कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा था, हर कोई जैसे हंस रहा था, वीडियो बना रहा था, इधर उधर झांक रहे वो लोग मुझ पर हंस रहे थे कि मेरी ब्रेक फेल हो गई, बूढ़ा मौत के करीब है, मैं ये शब्द सुन चुका था। सिर्फ तुमने हिम्मत की थी, खून से लथपथ होकर मुझे बाहर निकाला और बाइक पर बिठा कर ही यहाँ पर ले आए, एम्बुलेंस आने का इंतज़ार तक नहीं किया। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी ज़िंदगी कम बची है लेकिन तुमने इस ज़िंदगी को भी बचा लिया, मैं एहसानमंद रहूँगा। मैं उसकी बातें सुनता जा रहा था और मुझे खुशी मिल रही थी। इसके बाद 2 दिन तक वो उसी अस्पताल में रहा, 3रे दिन उसे छुट्टी मिल गई थी। मैं उससे दोबारा मिलने के लिए नहीं गया, उसने मेरी अभी तक कोई मदद नहीं की थी, बस बातें की थी, मुझे लगा था शायद कुछ पैसे ही मिल जाए। मैं परेशानी में था और परेशानी आपको लालच में फंसा ही देती है, मैं भी वो लालच की बातें सोचने लगा था, बार बार मन को समझाता नहीं मदद की है पैसों के लिए थोड़ी ना की है, फिर भी दिल कहता अगर कुछ मिल जाते तो क्या बुरा होता। रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, ये 3रा दिन था और वो बूढ़ा आदमी वहीं पर आ गया। मुझे लगा था वो मेरा धन्यवाद करने के लिए आया होगा। उसने कह दिया था आज इसकी छुट्टी मैं करवाता हूँ, मैं पे करूँगा, 1 दिन के कितने पैसे होते हैं आप इसे जाने दीजिए। वो कह रहा था मैं तुम्हें पार्टी करना चाहता हूँ, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ खाना खाते हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा था। वो मुझे 5-स्टार होटल में लेकर गया था। वहाँ उसने बातें की थी कि उसके पास बहुत सारे पैसे, लेकिन वो कभी भी किसी को पैसे देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसका कहना था कि जो पैसे हम खुद कमाते हैं वो हमारे होते हैं, जो हमें कहीं से मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो ज़िंदगी बर्बाद कर देते। मैं बस उसकी बातें सुने जा रहा था। मैं ज़िंदगी बर्बाद करवाना चाहता था ऐसी, पैसे बस दे दे थोड़े से। उसने नहीं दिए, उससे बातें करता रहा और जाते वक्त उसने कहा था मैंने तुम्हारी आँखों में देखा है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने पैसों से तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है इसलिए ज़िंदगी की सबसे कीमती बात बता कर जा रहा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। इस शहर के पार नीले पेड़ों वाला जंगल, उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जब तुम पहुंच जाओगे वहां काली मिट्टी शुरू हो जाएगी,
उस काली मिट्टी के बिल्कुल बीच में ही रहना, नीले पेड़ों के आगे। लंबे पेड़ शुरू होंगे, उसके बाद एक सड़ा हुआ काला पेड़। ऐसा लगेगा वो टहनियां नहीं है, ऐसा लगेगा वो पेड़ मर चुका है, लेकिन वहां पर आवाज लगाना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये आवाज लगाना, वो पेड़ जिंदा हो जाएगा। उसके बाजू इंसानी बाजू जैसे होंगे, तुम्हें वो चीजें देगा जो तुम्हारी जरूरतें होंगी, और वो लेगा जो उसकी जरूरतें होंगी। हम पेड़ों से फल लेते हैं, सब्जियां पेड़ों से लेते हैं, टहनियां लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, पत्ते तोड़ लेते हैं, कागज बनाते हैं। हो हर चीज जो हम पेड़ से लेते हैं, वो पेड़ उल्टा करता है। तुम उसको पत्तियां देना, लकड़ी देना, फल देना, हर बार अलग चीज देना, वो तुम्हें तुम्हारे मतलब की चीज देगा, सोना चांदी पैसा। उसकी बातें बहुत अजीब सी थी, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। बूढ़ा है, सठिया गया होगा, मुझसे मजाक कर रहा है, मैं हंस पड़ा था। तभी उसने कहा था, ये बात तो तुम जान गए हो, लेकिन एक और खास बात याद रखना, कान बंद करके जाना, कानों में रुई ठूस के जाना ताकि उसके शब्द सुन ना पाओ। अपनी एक बाजू पीछे बांध लेना ताकि उसका इस्तेमाल ना करना। एक हाथ से चीज लेना, उसी हाथ से जो तुम्हें वो दे वो ले लेना और चुप करके वापस आ जाना। एक दिन में सिर्फ एक सौदा करना। मैं उस पेड़ के जरिए इतना अमीर बना हूं, तुम भी बन सकते हो। मैं वैसे भी मौत के करीब हूं, ये राज था मेरे मन में जो किसी को बताना चाहता था। मैंने सोचा तुम्हें ही बता दूं, तुम्हारी आंखों में मैंने लालच देखी है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं तुम्हारी जो पूरी नहीं हो रही, कोशिश कर लेना। अब उसकी बातें मन में बस गई थी, लेकिन झूठी लग रही थी। हंस पड़ा था मैं, और वो भी मुस्कुराता हुआ चला गया। उसने कुछ ऐसा कहा था जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने उस बूढ़े की मदद की थी, क्या उसने भी मेरी मदद की है, सोचे जा रहा था। आज वैसे भी छुट्टी थी, उस जंगल की तरफ जाकर देखता हूं ना, कौन से नीले पेड़ हैं वहां पर, कौन सा सड़ा हुआ पौधा है जो काली मिट्टी में उगा हुआ है, और वहां आवाज लगाऊंगा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। देखते हैं कौन सा पेड़ इंसानी बाजुओं जैसा लगता है। मैं उसी शाम मोटरसाइकिल लेकर उस तरफ बढ़ चला था। जंगल के बाहर मोटरसाइकिल लगा दी थी, मेरे हाथ में कुछ हथियार थे ताकि कोई जानवर मेरे पास आता तो मैं उसे मार देता। मैं भी खतरनाक जगह पर जाना पसंद नहीं करता, और जंगल में ऐसे जानवर होते हैं जो आपको शिकार बना सकते हैं। उस जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने लगा था, हरी टहनियों वाले वो पेड़, उसे देखकर मैं सोचे जा रहा था, नीले पेड़ कहाँ पर होंगे, अरे बेवकूफ बना रहा है, मैंने भारत में नीले पत्तों वाले कोई पेड़ नहीं देखे, नीली टहनियों वाले कोई पेड़ नहीं देखे, जंगल में नीले पेड़ कहाँ होते हैं, बेवकूफ बना गया बूढ़ा, और मैं भी बेवकूफ बन गया। फिर भी चलो आगे जाकर आता हूं, उसने कहा है तो कुछ यकीन शायद किया जा सके, और आगे बढ़ने लगा था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, उस टॉर्च के सहारे उस जंगल में मैं देख रहा था, एक पेड़ तो मिल जाए नीला। लेकिन जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, टॉर्च की रोशनी में मुझे दिखने लगा था, उन पेड़ों के पत्ते नीले नीले से थे। मैं हाथ में उस पत्ते को पकड़कर सोच रहा था, ऐसा पेड़ जिंदगी में कभी नहीं देखा, नीले पत्ते किसी पेड़ के नहीं होते, यहाँ नीले पत्तों वाला पेड़। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सच में सब पेड़ों के पत्ते नीले, टहनियां नीली, ये नीले पेड़ों वाला जंगल था। मैं और आगे बढ़ने लगा था, जैसा जैसा उस बूढ़े ने बताया था यहाँ वैसा वैसा ही होना चाहिए। मैं और आगे गया तो वहां काली मिट्टी, वो बिल्कुल काले रंग की थी जैसे कोयला, हाथ पर लगाता तो हाथ भी काला हो जाता, लेकिन साफ करता तो बिल्कुल साफ मिट्टी ही थी वो। मैं उस मिट्टी पर चलने लगा था, कपड़े मेरे काले होते जा रहे थे, फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। अब यहां पर मुझे एक गला हुआ पेड़ ढूंढना था, वो पेड़ बहुत ही अजीब से थे लेकिन लहरा रहे थे हवा में। एक भी मुझे मरा हुआ पेड़ नहीं दिखा, गला हुआ पेड़ नहीं दिखा, लेकिन उसने कहा था आगे बढ़ते जाना है। काफी आगे तक गया था मैं, लगभग 10:30 हो गए थे। आज रोमांच का एहसास हो रहा था, इसलिए मन मुझे यहां पर खींचता ले आया था। मैं डरता हूं जंगल में जाने से, लेकिन आज जैसे लालच मुझे अब भी यहां पर ले जाए जा रही थी। जैसे ही मैं एक पेड़ के पार गया, आसपास पेड़ नहीं थे, ये मैदान जैसा था जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ था, मरा हुआ पेड़, उसकी टहनियां नीचे की तरफ लटकी हुई, वो काले रंग का पेड़ था, ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा गल चुका हो।
उसके थोड़ा करीब गया था, बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी, ये गला हुआ पेड़ था। अब मैं सोचने लगा, क्या सच में वो शब्द मुझे बोलने चाहिए? मैं बेवकूफ तो नहीं लगूंगा? किसी ने यहाँ कैमरा तो नहीं लगाया? मेरे साथ प्रैंक तो नहीं किया? मेरा बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? मैं बार बार इधर चेक करता रहा था। जरूर मैं जंगल में अकेला था, लेकिन खुद पर हंसता अगर वो शब्द बोलता। लालच आपसे क्या नहीं करवाती? उस मरे हुए पेड़ के आगे मैंने बोला था, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैंने ये शब्द कहा था और अपनी आंखों के सामने हिलता हुआ पेड़ देखा था। वो पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा था, उसकी टहनियां ऊपर की तरफ अकड़कर जैसे जिंदा हो रही थी। वो पेड़ काले रंग का था, लेकिन धीरे धीरे हरा सा होने लगा था, धीरे धीरे हरे से भूरे रंग का। ये लकड़ी भूरे रंग की लगती है, लेकिन ये तो मांस जैसी लग रही थी। धीरे धीरे वो टहनियां बाजुओं में बदल गईं, वो आगे की टहनी के हिस्से, वो पत्ते हाथ बन चुके थे जिनकी उंगलियां निकली हुई थीं। यहाँ जानवरों की टांगें थीं, यहाँ इंसानों की बाजुएं थीं, इंसानों की टांगें, पंछियों के पर। ये पेड़ अजीब था, जैसे बहुत सारी चीज़ों से बना हो, अंगों से बना हुआ पेड़ जो हिल पा रहा था, ऊपर सर था। अचानक मुझे याद आया, कान में रुई ठूंसनी है, रुई मैं लेकर आया था। मैंने जल्दी से कानों में रुई ठूंस ली और एक हाथ पीछे बेल्ट के अंदर डाल लिया। मैं गलती नहीं करना चाहता था, सिर्फ एक हाथ ही आगे की तरफ बढ़ाया हुआ था मैंने। वो पेड़ अंगों वाला पेड़ बन गया था, ऊपर एक सर था जिसके सिर्फ मुंह बना हुआ था, आंखें नहीं थी, कान नहीं थे, सिर्फ मुंह था। वो हिल रहा था, शायद कुछ बोल रहा होगा, लेकिन मैंने तो कानों में रुई ठूंसी हुई थी, मैंने कोई भी शब्द नहीं सुना। चुप करके जेब से मैंने एक सेब निकाला, मैंने वो सेब आगे की तरफ कर दिया। वो हाथ जो उस पेड़ पर लगा हुआ था, वो आगे की तरफ आया, उसने सेब उठाया, वो हाथ पीछे की तरफ चला गया। वहाँ कई हाथ थे, कई टांगे थी, एक दूसरे को वो सेब पकड़ाते गए और ऊपर मुंह की तरफ जाता गया। वो मुंह इतना बड़ा खुला था जैसे किसी मगरमच्छ का मुंह हो, उसके अंदर सेब डाल दिया गया था। अब मुंह के अंदर हाथ भी चला गया, उस हाथ ने वहाँ 2000 का नोट निकाला था उस मुंह के अंदर से, चमचमाता हुआ नया 2000 का नोट। उसके बाद एक दूसरे को वो 2000 का नोट पकड़ाया गया, हाथ नीचे तक आए और वो नोट आगे की तरफ कर दिया गया। मुझे दिया जा रहा था वो नोट, लेकिन तभी मैंने देखा एक और 2000 का नोट एक और हाथ ने निकाला था, वो दूसरी तरफ लहरा रहा था। जैसे ही मैं एक तरफ हाथ बढ़ाता 2000 का नोट पकड़ने के लिए, दूसरी तरफ से भी हाथ आगे की तरफ आ जाता। मैंने एक हाथ से 2000 का नोट पकड़ा और जैसे ही दूसरा नोट पकड़ने के लिए गया, वो नोट ऊपर की तरफ लहरा दिया गया, दूसरे हाथों ने पकड़ा और उसी मुंह के अंदर डाल दिया। यानी मैं सिर्फ एक ही नोट पकड़ सकता था, अगर दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता शायद दोनों अगर दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता शायद दोनों हाथों से मैं 2000 के दोनों नोट पकड़ सकता था, लेकिन नहीं, लालच नहीं करनी है। वो मुंह भी कुछ बोल रहा था, वो मुझे आदेश दे रहा था, मैंने कुछ नहीं सुना। 2000 का नोट मिल गया, एक सेब जो मैंने 15 रुपए का लिया था बस वही गया है, फायदा हुआ है। मैं नोट जेब में डालकर वापसी की तरफ बढ़ चला था, मैं सीधा घर आ गया था। घर आकर मैं माँ की तरफ देखने लगा, क्योंकि समय काफ़ी हो गया था। माँ ने पूछा, काम पर ही गए थे ना, किसी दोस्त के पास तो नहीं गए थे? मैं माँ से मुस्कुराकर बोलने लगा, नहीं, दोबारा वो ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता, मैं बदल चुका हूँ। मैं खुश था और मेरे चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, जेब में 2000 रुपए जो आसानी से मिल गए थे। वो बूढ़ा सच्चा था, ये पेड़ हमें वो देता है जिसकी ज़रूरत होती है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उसने मुझे पैसे दिए। अगले दिन मैं सुबह उठा और मैंने उस रेस्टोरेंट से छुट्टी ले ली थी। मालिक मान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने छुट्टी ले ली, कहा माँ की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे अस्पताल जाना होगा। मालिक ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और मैं छुट्टी लेकर सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा था। मेरे हाथ में एक आम था, एक ही चीज़ देनी होती है और एक ही चीज़ मिलती है ना, उस बूढ़े ने यही बताया था। मैं जंगल की तरफ बढ़ चला, आधे घंटे का ही रास्ता था, मैंने सही सही याद कर लिया था। उस जंगल के बिल्कुल बीच की तरफ जाना है, काली मिट्टी आएगी, पहले नीले पेड़ आए थे, उसके बाद गला हुआ वो पेड़ आएगा बिल्कुल बीच में, उससे बात करनी है तब वो जागता है, उसको यही कहना है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
बात करने की बात सुनकर वो जिंदा हो जाता है और फिर वो देता है जो जरूरत होती है। मैं सीधा उसके पास पहुंचा, गला हुआ पेड़ था वो, लेकिन आज दिन का वक्त था, ये रात नहीं थी। आसपास के पेड़ों के नीचे काफ़ी अंधेरा था क्योंकि ऊपर छत सी बनी हुई थी पत्तों की, लेकिन यहाँ ये गला हुआ पेड़ ऊपर से धूप नीचे तक पड़ रही थी। मुझे लगा ये काम करेगा या नहीं, ये कोई भूतिया पेड़ लगता है जो ज़रूरत की चीज़ देता है, लेकिन रात में कोशिश करता हूँ। मैंने आवाज़ लगाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। धीरे धीरे वो आकार में आता गया, शरीर के अंग बन गए थे उसकी टहनियाँ, वो काला गला हुआ पेड़ मांस का पेड़ बन गया था जिसके ऊपर वो सर निकला, जिसके एक ही मुंह था बहुत बड़ा सा। वो कुछ बोले जा रहा था, मैंने तो कान में रुई ठूंस रखी थी। मैंने वो आम एक हाथ को दे दिया, उसने वो पकड़ा, धीरे धीरे ऊपर लेकर गया, वो मुँह में डाला और मुँह से निकाला कुछ छोटा सा, मुझे दिख भी नहीं रहा था ये क्या चीज़ है। धीरे धीरे वो चीज़ नीचे की तरफ आई, वो एक ही चीज़ नहीं थी, दो थी, दो हाथों ने आपस में बांट ली थी। जैसे ही नीचे तक आया मैंने देखा ये छोटा सा कण था, सोने का कण। मैंने वो पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ ने भी आगे की तरफ वो कण देने की कोशिश की थी। मेरा हाथ जिस तरफ जाता दोनों हाथ आगे बढ़ जाते, मुझे पता था दोनों नहीं लिए जा सकते, एक ही मिलेगा, और दूसरा हाथ मैंने पीठ के पीछे किया हुआ था, बांधा नहीं हुआ था। मैंने एक कण हाथ में रखा, ये 3-4 ग्राम का सोने का कण था, जैसे छोटी सी गोली बनी हुई थी। उसे लेकर सीधा मैं निकल पड़ा, मेरा ध्यान उस मुंह की तरफ था, वो मुंह हिल रहा था, मुझसे बात कर रहा था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा वहां से निकल आया, मैं एक सुनार के पास गया, मैंने उस सुनार को वो छोटी सी गोली दी, वो कण दिया जो सोने का था। उसने भी वो कण नापा, देखा ये सच में सोने का ही था। उसके उसने 20,000 रुपए दिए थे मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश, इतने ज़्यादा पैसे, ये सोना काफ़ी महंगा लगता है। उसने कहा ये लगभग 4-5 ग्राम है और इसके इतने ही पैसे मिलेंगे। खुशी खुशी वो जेब में पैसे डाले मैं घर आ गया था। माँ देख रही थी कि काम पर नहीं गए, मैंने माँ को कह दिया, मालिक ने छुट्टी दे दी, कल मैंने बहुत अच्छा काम किया था रात को, इसलिए मालिक ने आज छुट्टी ही दे दी और मुझे बोनस भी मिला है। मैंने 20,000 माँ को दिखाए थे और पिता की आंखें देखने वाली थी, उन्हें मुझ पर शक हो रहा था। तुम्हारी नौकरी 8-10 हज़ार की है, 20,000 का बोनस कैसे मिल सकता है, वो भी एक दिन में तुम कैसे कमा सकते हो। अपने पिता को जवाब देता भी तो क्या देता, बातें घुमाना शुरू कर दी। लेकिन पिताजी को शक था कि मैं नशे वशे तो नहीं बेचने लगा जिससे ये कमाई कर रहा हूँ। मैंने वो पूरे पैसे पिताजी को पकड़ा दिए और कहा, अगर आपको शक है कि मैं नशे कर रहा हूँ या नशे बेच रहा हूँ या कोई इलीगल काम कर रहा हूँ, ये पैसे रखिए, ये आप खर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भूखा बैठा रहूँगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी मुझे, लेकिन मुझ पर यकीन कीजिए, मैं गलत काम नहीं कर रहा, ज़िंदगी में पहली बार सही काम कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूँ, ये सही तरीका है, मैं आपकी कसम खाता हूँ। अपने पिता की कसम खाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये सही ही तो है। मैं सौदा कर रहा हूँ उस पेड़ से, उसे आम देता हूँ, सेब देता हूँ, जिसके बदले वो मुझे कीमत देता है। यही तो हम सोसाइटी में करते हैं ना, दुकान पर जाते हैं, पैसे देते हैं और चीज़ मिलती है, इसी से दुकानदार कमाई करता है, वैसा ही तो मैं कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत थोड़े ना किया था। वो पूरा दिन मैंने आराम किया था, मैं काम नहीं करना चाहता था, आसानी से पैसे मिल गए थे, लेकिन मैंने एक चीज़ सोच ली थी, किसी को शक ना हो इसलिए सही तरीके से जंगल में जाना होगा। मैंने काम पर कह दिया था कि मुझे 1 घंटे जल्दी छुट्टी चाहिए, माँ की सेहत थोड़ी खराब रहती है, मालिक मान गया था, मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता और 1 घंटा जल्दी मुझे छुट्टी मिल जाती, मैं उस घंटे का इस्तेमाल वहाँ जंगल में जाने के लिए करता, कानों में रुई ठूंसता और निकल पड़ता उस जंगल की ओर। वो पेड़ ढूंढने में अब ज़रा भी परेशानी नहीं हो रही थी, मुझे तो रास्ता ही पूरा याद हो गया था, मैंने निशानी लगा रखी थी, मैं पेड़ को ढूंढता जाता और आसानी से पेड़ मिल जाता, एक सेब देता मैं 2,000 का नोट मिल जाता। मैं आम नहीं लेकर जा रहा था क्योंकि 20,000 कमा तो सकता था लेकिन किसी को शक भी तो हो सकता था, मैं थोड़े थोड़े पैसे लेता रहूँगा। इसी तरह काम चलता जा रहा था, कभी मैं सेब लेकर जाता, कभी मैं और फल लेकर जाता, हर चीज़ का दाम अलग ही होता, किसी के बदले मुझे चांदी मिलती, किसी के बदले कोई छोटा सा गहना, किसी के बदले कानों में डालने वाली बालियां मिलती मुझे।
हर बार अलग सी चीज, वो पेड़ मुझे कुछ ना कुछ देता उस मुंह से निकाल कर। वो मुझसे बातें भी करता जो मैं सुन नहीं पाता। मैं जवाब देना चाहता था लेकिन क्या करता, उस बूढ़े आदमी ने कहा था, कानों में रुई ठूंस के रखना, एक हाथ पीछे रखना। कभी कभी तो मैं छुट्टियां करने लगा था, अब वहां जंगल में जाने का मन ही नहीं करता। मैं महीने के सही सही 10-20 हज़ार वहां जंगल से ले आता, उसके बाद जंगल जाता ही नहीं, बहुत सारी छुट्टियां करता। घर का गुजारा सही सही चलने लगा था। मुझे लगने लगा था धीरे धीरे मैं अमीर होता जाऊंगा, जब घर वालों को यकीन होने लगेगा कि मैं कमाई कर रहा हूं, इस पैसे को कहीं बिजनेस पर लगा दूंगा, फिर मैं ज्यादा पैसे लाना शुरू कर दूंगा, शक भी नहीं होगा और काम भी चलता जाएगा, मैं भी उस बूढ़े की तरह बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। धीरे धीरे मैं पैसे लाता जा रहा था, लेकिन कम पैसे ला रहा था और उसे बिजनेस में लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक जमीन खरीद ली थी, वो जमीन खरीदी तो जा चुकी थी लेकिन उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे चाहिए थे और वो भी धीरे धीरे लाने थे, शक नहीं पड़ने देना था। मुसीबत पड़ी थी तब, सच में माँ की सेहत खराब हो गई थी, माँ को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे और ये पैसे चाहिए थे 40,000 रुपये। जल्दबाजी में मैं भाग निकला था जंगल की ओर, वहीं से पैसे लेकर आऊँगा ना मैं। भागता हुआ बहुत सारे फल ले गया था मैं, बहुत सारे फल दूंगा, पैसे ले लूँगा। मैंने कानों में रुई तक नहीं ठूंसी थी, जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा मैंने आवाज़ लगा दी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने भी आवाज़ लगाई थी, मैं हाजिर हूँ, क्या लेकर आए हो मेरे लिए। पहली बार मैंने वो आवाज़ सुनी थी जो उस मुँह से निकली थी। बूढ़े ने कहा था कानों में रुई ठूंसनी है, लेकिन जल्दबाजी में रुई ठूंस ही नहीं पाया था मैं, क्या करता मैं। बहुत सारे फल थे लिफाफे में, लेकिन वो हाथ आगे बढ़ा था मुझसे चीज़ लेने के लिए, क्या करता मैं, एक ही चीज़ देनी है। सोचने लगा मैं क्या दूँ, कौन सा फल दूँ। मैंने हर फल देकर देख लिया था, कुछ से सोना मिलता, कुछ से गहने मिलते, कुछ से बालियां मिलती, हर चीज़ का रेट अलग हो, लेकिन सोना मिला मुझे तो 20,000 का मिलेगा, मुझे 40,000 चाहिए, क्या करूँ मैं। सोचता गया था मैं, वो भी कह रहा था जल्दी करो, भूख लगी है, कुछ तो दो, तभी तो मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा, तुम मेरी तो करो। वो जल्दबाजी कर रहा था, मैं थर थर काँप रहा था, सोच रहा था गलती ना कर दूँ। वो छोटा कण, वो 20,000 का होता है, ये दो देता है ना, तो दो लूंगा। मैंने जल्दबाजी में दो आम आगे कर दिए, लेकिन उस हाथ ने एक ही आम उठाया था। मैंने कहा ये दूसरा भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन ऊपर से आवाज आई, एक ही लूंगा, ज्यादा नहीं, मैं लालची नहीं हूं। उसने ये कहा, आम ऊपर गया, उसके मुंह में वो आम डाल दिया, उसने आवाज लगाई, वाह कितना स्वादिष्ट है। उसके बाद उसने मुंह खोला और अंदर से वो छोटा सा सोने का कण निकला, दो कण थे वो। एक हाथ ने एक कण आगे की तरफ कर दिया और दूसरे हाथ ने दूसरा कण आगे की तरफ कर दिया। बूढ़े ने कहा था एक हाथ पीछे बांध कर रखना है, कानों में रुई रखनी है, बात नहीं करनी है। मैं बात भी कर रहा था, हाथ भी आगे किया हुआ था और मुझे जो जरूरत थी मैं वो लेना चाहता था। दोनों हाथ पहली बार बढ़ाए थे मैंने, दोनों हाथों में मैं सोना चाहता था ताकि 40,000 मिल जाते और माँ का ऑपरेशन करवा पाता मैं। दोनों हाथ आगे किए थे, एक हाथ पर तो सोने का कण रखा गया था, दूसरे हाथ को उस हाथ ने पकड़ लिया था, इतनी जोर से पकड़ा था मैं छुड़ा नहीं पा रहा था, मैं चीखने लगा था छोड़ दो मुझे, लेकिन वो पेड़ कहने लगा था, लालची लालची हो तुम, दोनों चाहते थे, अब तुम्हें वो देना होगा जो हमारी जरूरत है। मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा था लेकिन क्या करता, मैंने कहा छोड़ दो, ये ले लो फल, ले लो सारे फल, ले लो सारे, ले लो, मैं कुछ और नहीं लेना चाहता, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने कहा नहीं, अब ज़रूरत कोई और चीज़ों की भी तो होती है। मैंने कहा और चीज़ों की क्या ज़रूरत है, पानी चाहिए, पानी चाहिए, मैं पानी डालता हूँ, बहुत सारा पानी लेकर आऊँगा, यहाँ पानी पानी कर दूंगा, इस पेड़ को जिंदा कर दूंगा दोबारा से। उसने कहा नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये पेड़ किसका बना हुआ है और इसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। मैंने कहा ये पेड़ शरीर के अंगों का बना हुआ है तो इसे किसकी जरूरत होगी। उस पेड़ ने भारी आवाज में कहा था, समझ गए प्यारा, समझ गया, मुझे अब ये तेरी बाजू चाहिए, तूने इसी बाजू को आगे बढ़ाकर लालच की थी ना, एक हाथ आगे बढ़ाता, कभी मैंने छुआ नहीं था, मैं तुझे तेरे काम की चीज देता था, लालच से ज्यादा कुछ नहीं देता था,
दोनों का काम चलता था। तूने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, मैं तो चेक करने के लिए दूसरे हाथ में भी वो चीज़ रखता था कि तू लालची तो नहीं। तू लालची नहीं था, आज ये लालच कहाँ से आ गई? मैंने कहा, मेरी माँ की सेहत बहुत ख़राब है, मुझे पैसे चाहिए। तो उसने कहा, पैसे तो चाहिए लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए ना, तुमने तो बेईमानी करके पैसे कमाने की कोशिश की, लालच आ गई ना। लालच हमारी दुश्मन है और मैं ये लालच तुम्हारे अंदर से ख़त्म करना चाहता हूँ, लालच हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अब ये बाजू मेरी हुई, मैं ये बाजू नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है। मैं पूरे ज़ोर से अपनी बाजू छुड़ा रहा था, उसने पकड़ी हुई थी, वो मेरी बाजू मेरे धड़ से अलग करना चाहता था, मैं जान गया था। मैं क्या करता, वहाँ हाथ ही हाथ, पैर ही पैर, वहाँ बहुत सारे हाथ थे जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शरीर के किसी और अंग को नहीं, वो मेरी उसी बाजू को पकड़ रहे थे। बहुत सारे हाथों ने पकड़ रखी थी मेरी वो बाजू और मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। क्या करता मैं, लेकिन मेरे पुराने दोस्तों की वो चीज़ काम आई थी मेरे, उन चोर उचक्कों के साथ जेब में हमेशा चाकू लिए रखता था क्योंकि किसी ना किसी से झगड़ा हो जाया करता था मेरा। यहाँ पर भी झगड़ा ही तो हुआ था उस पेड़ से, चाकू मेरी जेब में था, मैंने निकाला और जिस हाथ ने मुझे पकड़ रखा था मैंने घोंप दिया, वो हाथ तड़पने लगा था और पीछे की तरफ गया। जितने भी हाथ थे हर किसी में चाकू घोंप दिया था मैंने, हर हाथ पीछे को गया था, मैंने अपनी बाजू छुड़ा ली थी, तेज़ी से भागा था मैं पीछे की तरफ काफ़ी दूर, वहाँ सोने के दोनों कण उठा लिए थे मैंने। मेरा काम भी हो गया और अब शायद मैं इससे दोबारा कुछ ले नहीं पाऊँगा, ये तो मुझे मारने पर उतारू हो गया था। वो भी बोले जा रहा था, बच कर कहाँ जाओगे, हमारी तो ये पूरी दुनिया है, हम तो हर तरफ छाए हुए हैं। मैं ये बात को समझ नहीं पाया था, वो कहना क्या चाहता है, इसका जवाब मुझे भविष्य में मिलने वाला था। मैं सीधा वो सोने के कण लेकर सुनार के पास गया, मुझे 40,000 रुपये मिले और सीधा पैसे लेकर मैं अस्पताल में, पूरे के पूरे बिल के पैसे मैंने दे दिए थे। पिताजी ने भी 20,000 का इंतज़ाम कर लिया था, उन्होंने वो जमा करवा दिए थे और मेरे बस 20,000 की ही ज़रूरत पड़ी थी। पिताजी मुझसे पूछ रहे थे, कहाँ से लेकर आए हो ये इतने सारे पैसे? मैंने कह दिया, मांगा मैंने, मैंने पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाया, लोगों से मांगे तब जाकर इकट्ठे किए। पिता की आंखों में आंसू थे, वो जानते थे मैं गलत चीज़ों में नहीं पड़ सकता, लेकिन अब मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये पैसे गलत जगह से लेकर आया था या सही जगह से। माँ का ऑपरेशन तो हो गया, वहाँ 2 दिन अस्पताल में रहे थे, लेकिन अस्पताल में अजीब सी चीज़ हो रही थी। नया बना अस्पताल जहाँ फर्श ही फर्श था, वहाँ फर्श टूटने लगा था, फर्श के अंदर से घास उगने लगी थी जो आधे घंटे एक घंटे में उग जाती, धीरे धीरे वो घास बढ़ने लगती, जड़ें निकलने लगती। वहाँ दोपहर को ही छुट्टी दे दी गई थी अगले दिन और वहाँ से हम निकले थे। जैसे ही घर आए घर के हालात भी बदलने लगे, घर में भी फर्श अपने आप फटने लगा था, अंदर से घास निकलने लगती, जड़ें निकलने लगती, छोटे छोटे पौधे निकलने लगते और ये पहली रात थी जो घर के अंदर मैं देख रहा था। पिताजी खुद हैरान थे, यहाँ शहर में कुछ हो गया है, कोई बीमारी आ गई है पेड़ों को जो पेड़ इतने ज़्यादा मोटे फर्श को तोड़ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस रात उन छोटे छोटे पौधों को हिलते हुए देखा था, काले रंग के बनते हुए देखा था जैसे वो सड़ चुके हों। वो बदबू उसी पेड़ जैसी थी, यहाँ जड़ें बढ़ती जा रही थी। 12 बजे तक जड़ें छत पर पहुँच गई थी, दरवाजे को लपेट लिया था ताकि मैं बाहर ना भाग पाऊँ और किसी तरह मैंने तलवार के जरिए उन जड़ों को काटा था। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था और चीख पड़ा था। पिताजी हैरान थे, ये हो क्या रहा है, कमरे को किस तरह से जड़ों ने जकड़ लिया है जो हिल रही हैं? उन जड़ों के अंदर से छोटे छोटे हाथ निकल रहे थे जो बार बार जड़ों के अंदर चले जाते। उसे देखकर पिताजी डर गए थे और कहा था, किसी तांत्रिक को बुलाना होगा, भूत प्रेत का असर है हमारे आसपास, माँ का ऑपरेशन हुआ है, हो सकता है कोई काली शक्ति आसपास आ गई हो। मेरी माँ लगभग कोमा में पहुँच गई थी, उसके बाद ऑपरेशन हुआ था। पिताजी मान रहे थे दूसरी दुनिया की कोई शक्ति यहाँ पर आ गई है, लेकिन मैं जानता था ये दूसरी दुनिया की शक्ति नहीं है, ये मेरी की गई गलतियों का असर है। बाकी का समय मैं पिताजी के कमरे में था, वहाँ भी जड़ें निकलना शुरू हो गई, दरवाजे तक पहुँचना शुरू हो गई, हम बाहर की तरफ भागे थे। लेकिन मैंने पिताजी को कह दिया था, मुझे बाहर जाना होगा, मुझे कहीं और जाना होगा और पता लगाना होगा। मैं रात को बाहर निकल गया था, जहाँ पर भी मैं बैठता वहाँ घास तेज़ी से उगने लगती,
जड़ें निकलने लगती। मैं रुक नहीं पा रहा था। लगभग आधा घंटा आराम कर पाता मैं, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ता। जड़ें मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगी थी। पहले तो जड़ें साधारण पेड़ों की जड़ें की तरह निकलती, उसके बाद वो जिंदा होने लगती और मुझे पकड़ना शुरू कर देती। वो बार बार मेरी एक बाजू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और मैं बचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। दिन का वक्त हुआ और मैं पिताजी के पास वापिस आ गया। दो तांत्रिक थे जो घर में पहले से इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे घर में क्या क्या हो चुका है। मैं उसके सामने बैठ गया था। वहाँ वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने लगे। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे। उन्होंने आग जला रखी थी, लकड़ियाँ डाली जा रहे थे, एक काले रंग की राख थी जो आग में डाल रहे थे, उसके बाद हरे रंग की रोशनी सी निकलती जो पूरे कमरों में छा जाती। वो जड़ें थोड़ा थोड़ा हिलती, वो थोड़ा थोड़ा तड़पती, वापस अंदर जाने की कोशिश करती, उसके बाद वापस बाहर आने लगती। वो हर कोशिश करते रहे। वो जड़ें मुझे पकड़ना चाहती थी, मेरे बहुत करीब आ गई थी, मेरी टांगे तक पकड़ ली थी आधे घंटे में। वो तांत्रिक कह रहे थे ये कोई भूत है जिसे हम खत्म कर देंगे। कैसे करते खत्म? वो जड़ें उनके गलों तक पहुंच गई थी और गले घोटने शुरू कर दिए थे। वो उठ उठ कर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी एक जगह पर टिक नहीं सकते। वो जहां पर बैठते जड़ें उन्हें पकड़ने की कोशिश करती। बच्चों की तरह उछल उछल कर कभी इधर जाते कभी उधर जाते, और वो जड़ें भी बार बार पकड़ने की कोशिश करती रहती। आग के बीच जड़ें आ गई थी और आग बुझा दी गई थी। वो तांत्रिक खुद घबराए हुए हाथ जोड़कर गए थे। भाई साहब, हम इस भूत का सामना नहीं कर सकते। ये क्या चीज़ है? हमारी समझ से बाहर है। ये कोई प्राचीन काल का शाप है और शाप का निपटारा वहाँ शाप वाली जगह पर ही किया जा सकता है। हमें नहीं पता शाप कहाँ से शुरू हुआ। मैंने उस तांत्रिक को बताने की कोशिश तो की थी लेकिन तांत्रिक भाग गए थे। अब बताता तो किसे बताता, लेकिन सच्चाई जान गया था। इस शक्ति का सामना उसी जगह पर किया जा सकता है, लेकिन मैंने कभी सामना किया नहीं था। क्या करूं? उस बूढ़े को ढूंढता हूं। उस बूढ़े को ढूंढने के लिए मैं अस्पताल में पहुंचा था जहां उसका ऑपरेशन किया गया था। मैंने मदद की थी ना। वहां पहले तो वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे, लेकिन मेरे पास 20,000 रुपये थे। उस 20,000 का इस्तेमाल उसी अस्पताल में किया था मैंने। वहां उसका बायोडाटा निकल आया। वो कहां पर रहता है? उसका एक बड़ा सा बंगला शहर के बाहर है। बहुत रईस जादों में आता है वो, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेला है। मैं सीधा उस तरफ बढ़ चला था एक टैक्सी लेकर। उसके घर के बाहर बैल बजाता जा रहा था, कोई बाहर नहीं आया। शायद वो अकेला रहता होगा। दीवार फांदकर घर के अंदर चला गया था। बड़ा सा बंगला, बाहर गार्डन में ही घास की कटाई कर रहा था। शायद लाइट नहीं थी जिस कारण बैल बची नहीं थी। उस बूढ़े को देखते ही आंखें नम हो गई थी। भागता भागता मैं उसके पास गया। मैं उससे जवाब चाहता था। मैंने सब कुछ बता दिया क्या क्या हुआ, और उस बूढ़े आदमी ने भी बताना शुरू किया। ये क्या गलती कर दी तूने, ये क्या गलती कर दी। वो पेड़ तुझे छोड़ेगा नहीं, बहुत पुराने ज़माने का पेड़ है। मुझे भी एक बूढ़े से पता चला था जब मैं 30 साल का था। मैंने नियमों का पालन किया, कभी भी कानों से रुई नहीं निकाली थी। मैं एक चीज़ देता, मुझे थोड़े से पैसे मिलते। उस थोड़े से पैसों को मैं सही जगह लगाता। कभी धीरे धीरे ज़मीन खरीदी मैंने, कभी स्टॉक मार्केट में लगाए। एक छोटी सी दुकान भी खरीदी थी, वहाँ पर भी मेहनत की थी। मैं इसे भी भगवान द्वारा दिए गए पैसे मानता था, लालच नहीं की थी। उस बूढ़े ने कहा था बात नहीं करनी है, ये फंसाएगा, और कभी कभी हम फंस भी जाते हैं। एक बाजू पीछे इसलिए रखनी है कि ये लालच देगा, ये लालच का दुश्मन है, हमारे अंदर से लालच निकाल देता है। तूने लालच दिखाई और यकीनन तुझे ये छोड़ेगा नहीं। मैं रोने लगा था। मैं कहने लगा था करूं तो करूं क्या, लेकिन वो बूढ़ा कह रहा था मुझे नहीं पता। जिस बूढ़े ने उसे बताया था वो भी जब वो 30 साल का था तब, वो जिंदा नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं है, कहीं ढूंढा नहीं जा सकता, वो पेड़ ही है जो जवाब देगा। मैं अब क्या करता? वो बूढ़ा मेरे साथ चल नहीं सकता था, मैं खुद ही चलता हुआ जंगल की तरफ गया। थकता जहां रुकता जड़ें निकलना शुरू हो जाती। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा था मैंने सीधा बोल दिया था, मैं बात करना चाहता हूँ, खास बात है। वो पेड़ जिंदा हो गया। वो मुंह बाहर निकला और कहने लगा, अब क्या खास बात करनी है, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, हमें जो चाहिए वो हम ले लेंगे। मैं रोता रोता कहने लगा था, गलती हो गई, माँ की सेहत खराब थी, मैं लालची नहीं हूं। उसके बाद उस पेड़ ने मुंह खोला था, लालची नहीं हो,
लालच ही तो की थी। याद है 12वीं में पढ़ते थे तुम, जब उस बच्चे की पिटाई की थी क्योंकि उसकी जेब में 2000 रुपए थे, वो छीन लिए थे तुमने, इसीलिए तो पीटा था। मैं घबरा कर पीछे आ गया, नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं किया था, वो तो उन लड़कों ने किया था। तब उस पेड़ ने कहा था, पैसे तो तुम्हारे जेब में ही डाले गए थे ना, उन्हें भी तुमने ही मारा था। इसके बाद कॉलेज की बात बताओ, किस किस को पीटा पैसों के लिए, जमीन पर किस किस के कब्जे करवाए, नशे किस किस को बेचे ताकि जरूरत पूरी हो सके, किस लड़की को पीटा, किसके गहने छीने, किस किस के साथ बुरा किया, गिनवाऊं, एक एक करके गिनवाना शुरू करूं। मेरे पैर कांपने लगे थे, मैं घबराने लगा था, जिन चीजों को मैं भूल गया था एक एक करके वो हर चीज मुझे याद दिलाई जा रही थी। मैं बदल गया हूं, मैंने जो अच्छा किया है वो भी तो गिनवाओ, मैंने ये कहा था, वो गिनवाता हूं। अच्छा क्या क्या किया है, गरीबों की मदद की है, तुम उसे अच्छा कहते हो, मान गए वो अच्छा है। कितनी मदद की है, जरा सी, तुम्हें परेशानी तक नहीं हुई उतनी मदद की थी, लेकिन जब बुरा किया था तो बहुत ज्यादा बुरा किया था, बराबरी तो हुई नहीं, बराबरी करोगे तभी तो बराबर बनोगे, तुम तो बचना चाहते थे बुराइयों से, बस छोटी सी अच्छाई करके। वो पेड़ से बहस नहीं की जा सकती थी, मैंने देख लिया था, वो मुंह वैसे ही नहीं बना हुआ, वो सच बोलता है। मेरी बहस में हार होती जा रही थी, वो मानने को तैयार ही नहीं था। मैं अपनी अच्छाइयां गिना रहा था, बुराइयों को कम बता रहा था, वो हर बुराई को निकाल कर बता देता मैं कितना बुरा इंसान हूं, उसने समझा दिया था। जिस चीज से मैं बचना चाहता था उसने वो जिंदा कर दी थी। मैं भी रोकर कहने लगा, तो क्या करूं, क्या करूं, मैं बुरा था, अब उस बुराई को खत्म कैसे करूं। वो नशे की आदत मुझे कहां तक ले गई मैं नहीं जान पाया था, क्या करूं, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन उस नशे की लत ने करवाया था जो करवाया था। तब वो पेड़ कहने लगा था, जितनी बुराई की है उतनी अच्छाई करते तभी तो माफी मिलती ना, तुमने यह छोटी सी लालच की थी हाथ आगे बढ़ाकर, मैं तुम्हें माफ कर देता, अगर तुम अच्छे इंसान होते माफ कर देता, तुम जितने बुरे हो अब माफ नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा, क्या करूं, अब कैसे बचूं। उसने कहा था, अब तुम्हें कुर्बानी तो देनी ही होगी, दोस्ती हमारी पक्की होगी, तुम दोस्तों पर बहुत यकीन किया करते थे ना, ये नशेड़ी दोस्तों पर बहुत यकीन करते हैं, बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, और कितनी बुरी जगह ले जाते हैं वो जान ही नहीं पाते। नशों का दोष नहीं होता, नशे करने वालों का होता है, तुमने भी वही किया था, अब सजा तो मिलेगी। ये हाथ मुझे चाहिए, मेरी वो बाजू की तरफ इशारा करके कहा था, और मैंने ना में सर हिला दिया और वहां से भाग निकला था। मैं वहां से दूर भाग रहा था, जहां जहां मैं रुकता वो जड़ें निकलती। लगभग 7 दिनों तक ये चला था, सो नहीं पा रहा था मैं, छोटी सी झपकी लेता उसके बाद वो जड़ें मुझे नोचने के लिए आ जाती, जगह जगह वैसा ही पेड़ निकलता, हाथ निकलते मुझे जमीन में गाड़ने की कोशिश करते। कब्रिस्तान में गया था मैं, मंदिर में गया था मैं, हर जगह, पेड़ तो हर जगह होते हैं ना, वो कुदरत का हिस्सा हैं, हर जगह जहां पर पेड़ होते वो मुझे फंसाने की कोशिश करते। 7 दिनों तक मैं नींद भी पूरी नहीं कर पाया था, एक पेड़ के नीचे बेसहारों की तरह मौत का इंतजार करते हुए, ठान लिया था मैंने कोई बचा नहीं पाएगा, कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। मैं बैठ गया, नींद लूंगा मैं, सो जाऊंगा, शायद दोबारा उठ ना पाऊं, मेरी बाजू के साथ क्या होगा मैं नहीं जानता था। वहां बैठ गया था मैं, जैसे ही मुझे झपकी लगी मेरी बाजू घुट रही थी, मेरी आंख खुली दर्द के कारण, मेरी बाजू घुट चुकी थी, वो जड़ें आसपास लपेट ली गई थी। जैसे ही मैंने जेब से चाकू निकालकर उन जड़ों को काटना शुरू किया, वो काम हो चुका था, मेरी बाजू हिल नहीं रही थी, वो जड़ें मैंने काट डाली लेकिन बाजू हिल नहीं रही थी, वो काली होती जा रही थी जैसे जहर फैल चुका हो। अस्पताल में इलाज के लिए गया था लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाया हुआ क्या है। मैंने हर कोशिश की, मेरी बाजू ठीक नहीं हो पाई, वो चल ही नहीं पाई थी, जैसे अंदर से नसें काट दी गई हों, वो बस लटकी हुई बाजू थी बेकाम की। 10 दिन तक मैं इसी तरह सोचता रहा था, दोबारा वो जड़ कहीं से नहीं निकली, मुझे मारने के लिए कोई जड़ नहीं आई, कोई पेड़ नहीं आया, साधारण जिंदगी, लेकिन मेरी माँ परेशान,
मैं अब कहीं काम भी सही से नहीं कर पा रहा था, एक बाजू से कहाँ काम कर पाता। वापिस गया था मैं उसी के पास, उसी पेड़ के पास। वही तो एक बेसहारे का सहारा था। मैंने एक आम लिया था जो मैंने उस पेड़ के आगे कर दिया। उसने भी हंसते हुए कहा था, अब वहीं आए हो ना मेरे पास, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लालच खत्म कर दी तुम्हारे अंदर से। मेरी एक बाजू काम की ही नहीं थी। आम के बदले एक सोने का कण, एक ही ले सकता था मैं। वहाँ दो दिए जा रहे थे, हाथ मेरा एक था, एक ही ले सकता था। एक ही कण लिया मैंने। वो पेड़ अब मुझसे बातें करने लगा था। कैसे उसकी शुरुआत हुई, वो मुझसे बातें किया करता, मैं उसको चीज़ दिया करता, वो मुझे भी मेरे काम की चीज़ देता। उससे दोस्ती कर ली थी मैंने। मैंने धीरे धीरे उससे बहुत कमाई की। मैं उसकी गोद में बैठ जाता, वो हाथ वो टांगे में बैठ जाता। मैं कभी कभी सोचता मुझे मार दो, वो कहता मारूंगा नहीं, मैं लालच खत्म करता हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, बुरों के लिए बुरा हूँ, अच्छों के लिए तो अच्छा ही हूँ, तुम्हें क्यों मारूंगा, तुमसे तो बात करता हूँ। वो मुझसे बातें करता, इतिहास बताता, कैसे कैसे इतिहास में क्या क्या हुआ, हर चीज़ बताई उसने मुझे। हर धर्म की जानकारी दी, हर चीज़ की जानकारी दी, मुझे ज्ञान दिया, मैं कहाँ पैसे लगाकर कितने कमा सकता हूँ, हर चीज़ उसे पता थी। वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल की जानकारी रखता था। मैं ज्ञानी बनता गया। एक ऐसा दोस्त जिसे मैं इंसान नहीं कह सकता, वो पेड़ था मेरा दोस्त। मैं उससे कमाई करता गया और धीरे धीरे बिना लालच के मैंने पैसे कमाए। मैंने बहुत चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की। मैं बहुत सारा दान किया करता और मैं बिना लालच के दान करता। मैं अब जान गया था बुराई और अच्छाई में अंतर होता है, हमें समझने की ज़रूरत होती है। मैं बिना लालच के मदद किया करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बस भलाई करता रहता हूँ। मैंने जो चाहा मैंने वो पाया, समय ने मुझे बदला। शायद अब मैं इतनी अच्छाई कर चुका हूँ कि उस पेड़ के सामने खड़ा होकर कह सकता हूँ मैं बुरा नहीं हूँ। और वो भी मुझे बताता है क्या क्या कमी अब भी रह गई है, मैं वो पूरी करता हूँ। समय बीतता जा रहा है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो मुझे बदल रहा है। मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका है। शायद हमें कम ही दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन जितने भी बनाने चाहिए काम के बनाने चाहिए, जो आपको अच्छा इंसान बनाए, बुरा नहीं।